कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटे, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है। जो इस वक्त मम्मा के पास है यहाँ, लेकिन अगर छोटी सिस्टर हुई तो? लेकिन अगर छोटा भाई हुआ तो? हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पर राखी तो बांध ही सकते हैं, है ना? भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। अरे भाई साहब, आप फिर से नाना बनने वाले हैं। संभल के क्या कर रही है? सॉरी दी, I can't believe this. बाबू, अब तुम्हें एक नहीं बल्कि दो भाई या बहन मिलने वाले। प्रेगनेंसी की शॉपिंग हम साथ में करेंगे, ओके? अब मेरी बारी। कांग्रेस। मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो? और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। अब मम्मा आपने यू से क्या बनाया है? अल्ट्रासाउंड। भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। छोटा बेबी आएगा, जो जर्नी मैंने मिस कर दी थी वो वापस से जी पाऊंगा। सुहाना किसी को भाई या बहन कहेगी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ये सच है ना? नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन हमारा बेबी है और सुहा के साथ साथ एक और बेबी होगा जो हमें मम्मा पापा कहेगा या कहेगी। थोड़ा तुम्हारा जैसा। थोड़ी तुम्हारे जैसी। कांग्रेचुलेशंस। सॉरी सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, बट हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। शायद ये वही खुशी है जिसका इस घर को बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, बिल्कुल। और सुना, तू तो सच में कंपटीटिव निकली। और इस खुशी के मौके पे मैं पूरी दिल्ली को पार्टी देने वाला हूँ। बाबा, अंकल पहले ना हमें पार्टी दीजिए, फिर सबको पार्टी मिलेगी। लेकिन अभी इस खुशी के मौके को हमको कैमरे में कैद कर लेना है, क्योंकि एक फोटो तो बनता है। आज अब जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। I love you too. सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों को स्ट्रॉन्ग रहना है। वो है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे और बेबी का भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम, सुहाना और मैं, हम तीनों काफी हैं। बेबी के आने से हमारी फैमिली अच्छी हो जाएगी और बेबी जब आएगा ना, सब लोग हैप्पी हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सोनाक्षी, लेकिन ये तुम्हारे लिए रिस्की है। माँ ये बात क्यों नहीं समझ रही है? माँ को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ऊपर आऊं? माँ, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो
सॉरी कि मैं okay. शायद ये एक इशारा है. मतलब इस बात का कि मुझे अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा. फिक्र मत कर, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं आने दूंगा, खुद से दूर नहीं आने दूंगा. अब मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूंगा. सोनाक्षी, आराम से बैठो. क्या हुआ? बुक्स में लिखा है कि तुम ऐसे अचानक से नहीं उठ सकती. तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें हंसी आ रही है? मैं ये बुक्स ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या यहाँ पर? टेंशन मत, मुझे सब पता है प्रेगनेंसी के बारे में. एग्जैक्टली, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना. तुम मुझे क्यूट क्यूट कहते रहते हो, खुद को देखो. डोंट वरी, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी. नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगी. अगर तुम मुझे सिखाओगी तो इसका भी पूरा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए मैं खुद सीख लूंगा. ओके, तुम एकदम इम्पॉसिबल. जब भी बेबी आएगा ना, तुम्हें तीन तीन बेबीज होंगे. सोनाक्षी, अरे ये कंपटीशन थोड़ी ना है, किसको ज्यादा पता है प्रेगनेंसी के बारे में, तुम्हें या मुझे? ऑफ कोर्स कंपटीशन है ही. मुझे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सपोर्टिव हस्बैंड बनना है, और देखना मैं ये अवार्ड जीत के ही रहूंगा. अरे तुम हंस रही हो? ठीक है, फाइन, ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा. ओके, लेकिन अब ये सारे बुक्स रख, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ को तुम्हारी जरूरत है. और एक्चुअली मैं और बेबी ये चाहते हैं कि हम तुम्हें हग करके सोचे. हाँ, एक बुक में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए कंफर्टिंग होगा. लेकिन हाँ, मैं लास्ट चैप्टर पढ़ के आता हूँ. ओके, दो मिनट आए. मुझे जितना पता था ना, मैंने आपको सब बता दिया है. अभी तो 9 महीने बाकी है. अभी से आप इतने प्रेशर में रहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा भी तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना. समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, और तुमने जो कुछ बताया वो इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल थी. लेकिन मुझे तुमसे और एक सवाल पूछना है. हाँ पूछिए ना. एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि अब्रप्शन प्लेसेंटा, इसके बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बाबू एक काम कीजिए, आप रोनिता से बात कीजिए, मुझे चक्कर आने लगे. बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ एक्चुअली मैं सौरभ से बात कर रहा था कि रप्शन प्लेसेंटा और प्रीएक्लैम्पसिया के बारे में. उससे जानना चाह रहा था कि ये कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है. एक्चुअली जीजू, ये टर्म्स तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने हैं. अच्छा, तो ठीक है, मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, इनका जवाब देखो मिलता है. 2-3 क्वेश्चन और. अरे सौरभ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? बुरा लगेगा उन्हें. क्या बुरा लगेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है क्या? जो सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं ना, वो पूछते हैं. ओ, मतलब सौरभ सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है? नहीं, सौरभ तो मेरा सपोर्टिव डैडी है ना. ये अगर मेरा जीजा नहीं होता ना, सच कह रहा हूँ, मैं इसे पुलिस में ही पकड़वा देता.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.